लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच जहां एक ओर प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने 7 साल बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। नरेश उत्तम की जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्यामलाल पाल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके बाद से यूपी की सियासत में एक बार फिर से पीडीए का मुद्दा गर्मा गया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि नरेश उत्तम पटेल अपने चुनावी अभियान पर पूरा फोकस कर सके, जो फतेहपुर लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार हैं। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से पहले वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं, जिसके बाद नरेश उत्तम पटेल ने उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया था और बीते साल ही सपा ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी सौंपी थी। आपको बता दें कि श्यामलाल मूल रूप से प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के आला नगरी मोहिद्दीनपुर गांव के रहने वाले हैं। जनसेवा इंटर कॉलेज मोहिद्दीनपुर से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए श्यामलाल वर्ष 2007 में अपना दल के टिकट पर प्रतापपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। खैर, श्यामलाल पाल को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये साफ हो गया है कि अखिलेश यादव ने ओबीसी वोटर को साधने की ये कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।